गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लोग मैकेनिक्स में नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम स्टडी कर रहे थे। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यानी ट्रिडायमेंशनल फोर्स सिस्टम, या उसका और भी एक नाम है स्पेशल फोर्स सिस्टम, राइट। तो हमने इसका बाकी का पार्ट कवर किया था और वी वर स्टडीइंग अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रिडायमेंशनल फोर्स सिस्टम। इसके पहले के क्लास में हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखे थे, जिसमें हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए डायमेंशन की बात चल रही है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के हमने तीन कंडीशंस देखे थे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ जेड इक्वल टू जीरो, राइट। इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था हमने। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए डायमेंशनल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए सिक्स कंडीशंस देखे थे हमने, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन एफ जेड इक्वल टू जीरो। उसके बाद और तीन कंडीशंस, मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, ट्रिडायमेंशनल कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए पास तीन इक्वेशंस थे, तीन कंडीशंस थे, दैट वर समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड इक्वल टू जीरो। और नॉन कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए अपने पास सिक्स कंडीशंस थे, देयर वर समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन एफ जेड इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट सम अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इक्वल टू जीरो। ये कंडीशंस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए थे इसके पहले के क्लास में, और अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से और देखते हैं क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। बोला है अ वर्टिकल लोड ऑफ 1100 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय थ्री बार्स एज शोन इन फिगर। देखो ए वर्टिकल लोड, एक लोड है कितना, 1100 न्यूटन। कहां पर डायग्राम में अगर देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा है लोड ऑफ 1100 न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा इज सपोर्टेड बाय थ्री बार्स एज शोन इन फिगर। तीन बार्स से इसको सपोर्ट किया है, कौन से वो तीन बार है, एक बार ये है एडी, दूसरा बार है बी ए और तीसरा बार है सी ए। ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू इक्वल्स टू 1100 न्यूटन। जो फोर्स या जो लोड तीन अलग अलग बार से सपोर्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला। आगे देखते हैं क्या बोला, फाइंड द फोर्सेस और फाइंड द फोर्स इन ईच बार, फाइंड द फोर्स इन ईच बार। हमें हर एक बार के अंदर कितना फोर्स है ये फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स इन ईच बार, यानी फोर्स इन एडी बार, फोर्स इन बार एबी, फोर्स इन बार एसी, ये तीनों भी बार के अंदर कितने फोर्सेस हैं, उसका नेचर क्या होगा, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। फिर बोला है पॉइंट सी ओ एंड डी आर इन एक्स जेड प्लेन, इंपॉर्टेंट है पॉइंट सी ओ एंड डी, ये तीनों पॉइंट्स कहां पर है, दे आर इन एक्स जेड प्लेन, दे आर इन एक्स जेड प्लेन। अगर पॉइंट सी ओ डी ये एक्स जेड प्लेन में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट को जीरो होना चाहिए, यानी हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, हम जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। आगे बोला है व्हाइल बी इज 5 मीटर अबव दिस प्लेन, यानी कौन से प्लेन के है वो, एक्स जेड प्लेन के है, व्हाइल पॉइंट बी इज 5 मीटर अबव द एक्स जेड प्लेन, अबव द एक्स जेड प्लेन, ये दिया है सीधा सीधा क्वेश्चन, राइट। और बोला है कि इन सभी बार्स के अंदर कितने कितने फोर्सेस है ये फाइंड आउट करो, ठीक है। देखते हैं अपन डेटा क्या क्या दिया है। अपने पास अगर डायग्राम देखेंगे तो थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें फोर्सेस कहां से कहां एक्ट हो रहा है वो दिख रहा है आपको। अगर हम यहाँ के जितने पॉइंट्स हैं सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। नाउ सबसे पहले ओरिजिन जो है अपना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस निकले हुए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0, 0, 0, ये तो obviously 0, 0 रहेंगे। Then point A, A point के coordinates देखो, A point कहाँ पर है देखो, y axis के along है। A point is along the y axis के along है, इसका मतलब उसके x और z coordinate 0, A point का x coordinate 0,
y एक्सिस के अलावा ओरिजिन से कितना ऊपर है, दैट इज 20 मीटर अबव द ओरिजिन, मतलब 20 पॉजिटिव 20, एंड z कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज़ द पॉइंट a इज ऑन y एक्सिस, सो x एंड z कोऑर्डिनेट हैज टू बी 0। a के कोऑर्डिनेट्स के लिए फिर b के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, तो b यहां पर है, कहां पर है b, b बोला है b इज 5 मीटर अबव द xz प्लेन, xz प्लेन के 5 मीटर ऊपर है, लिखते हैं b के कोऑर्डिनेट्स। x एक्सिस के ऊपर b कितना पीछे है, x एक्सिस के ऊपर कितना पीछे है b, 10 मीटर, तो -10। y एक्सिस के ऊपर मतलब इस xz प्लेन के ऊपर 5 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कितना हो गया उसका 5, और z कोऑर्डिनेट वो x कोऑर्डिनेट के जस्ट ऊपर है, इसका मतलब जस्ट z कोऑर्डिनेट उसका 0 होना चाहिए, इसका मतलब z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो b के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बनेंगे, वो हो गया a b। अब c और d के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, बोला है C एंड D, C O D, ये C जो पॉइंट है या D जो पॉइंट है, ये दोनों के पॉइंट्स एक्स जेड प्लेन में, अगर ये एक्स जेड प्लेन में तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जरूर होना चाहिए, तो C कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना देखते हैं, C पॉइंट कहां पर, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वो सीधा सीधा जेड एक्सिस के ऊपर है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही चाहिए क्योंकि एक्स जेड प्लेन में, सो जेड कोऑर्डिनेट कितना मिला आपको, पॉजिटिव z एक्सिस के ऊपर है 10 मीटर अब ओवर 10 मीटर फ्रंट, इसका मतलब दिस विल बी 0, 0, 10। नाउ d, d देखो d भी कहां पर है अपना x z प्लेन में, अगर x z प्लेन में तो y कोऑर्डिनेट को जुड़े होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं x कोऑर्डिनेट कितना है, d पॉइंट कहां पर है अपना, दिस इज योर d पॉइंट, कितना आगे आ चुका है वो यहां से 10 मीटर आगे आ चुका है, सो x कोऑर्डिनेट 10, y कोऑर्डिनेट कितना, y कोऑर्डिनेट 0 ही है क्योंकि x z प्लेन में, और z कोऑर्डिनेट कितना, देखो ये ओरिजिन से पीछे की ओर, मतलब z एक्सिस के ऊपर आगे की ओर नहीं आया, पीछे की ओर गया है, इसका मतलब दिस विल बी -10, सो d कोऑर्डिनेट विल बी 10, 0, -10, ठीक है राइट। अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स अगर क्लियर है a b c d के, ये सभी अगर कोऑर्डिनेट्स क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है चलो। अब बोला है तो फाइंड आउट द फोर्सेस इन ऑल द बार्स, पहली बात ये फोर्सेस टेंसर होगी कंप्रेस होगी, अब देखो ये लोड इस पॉइंट को नीचे की ओर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये बार्स से इन इस लोड को सपोर्ट किया हुआ है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि दिस लोड टेंड्स टू कंप्रेस द ऑल बार, दिस लोड इज ट्राइंग टू कंप्रेस ऑल द बार्स, इसका मतलब इस ये जो ये तीनों भी जो बार्स है इनके अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे, कंप्रेसिव फोर्सेस मतलब द फोर्स विल एक्ट फ्रॉम डी टू ए, दिस फोर्स विल एक्ट फ्रॉम सी टू ए, दिस फोर्स विल एक्ट फ्रॉम बी टू ए, ए के तरफ राइट, कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्सेस आर ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट एंड टेंसाइल फोर्सेस आर ऑलवेज टेंसाइल फोर्सेस आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर ए पॉइंट की अपन बात करेंगे तो जो डी फोर्स एडी के अंदर फोर्स है वो ए के तरफ आ रहा होगा क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट राइट, AB के अंदर जो फोर्स होगा दैट विल बी कंप्रेसिव फोर्स टुवर्ड्स पॉइंट A, एंड C बार के अंदर CA बार के अंदर जो भी फोर्स होगा दैट विल बी कंप्रेसिव फोर्स टुवर्ड्स पॉइंट A राइट। कौन से फोर्सेस होंगे, जैसे ये AD बार के अंदर FAD जितना फोर्स होगा, फिर AB बार के अंदर FBA जितना फोर्स होगा, और CA बार के अंदर FCA जितना फोर्स होगा राइट। अगर हम फोर्सेस लिखेंगे तो दिस विल बी F DA, FAD नहीं FDA, force vector is acting from B to A, so this will be at DA, right? उसके बाद ये force होगा FBA, not FAB, it is FBA because this force vector is acting from point B towards A, FBA, right? Just one minute, FBA, force vector FB. उसके बाद और कौन सा force है? FCA. Now FCA is acting from C to A. That's why this will be FCA, right? So all these forces will be acting from C, B, D towards A. ये compressive forces हैं. Find out करने. पहली बार हमें यहाँ पर force के magnitude के बारे में कुछ भी नहीं पता है. Force के magnitude के बारे में कुछ भी नहीं पता है. इसका मतलब force का multiplier हम नहीं लिख सकते. Multiplier कितना है नहीं पता. लेकिन हमें पता है. जैसे ये फोर्स है डी टू ए एक्ट हो रहा है तो डी और ए के दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये फोर्स बी टू ए एक्ट हो रहा है बी और ए के दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, सबके कोऑर्डिनेट्स पता है, वहां से हम देखते हैं कुछ
फोर्सेस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई एम राइटिंग अबाउट द फोर्सेस। And this is your FCA. Okay, ये आपके forces, ये आपको clearly दिखना चाहिए, इसलिए मैं ठीक से लिख रहा हूँ। Okay, अब हम ये forces को लिखते हैं। पहले हम जानते हैं जब भी अपने पास दो points होते हैं force के ऊपर, हम force को कैसे लिखते हैं? Now, F मान लो पहला फोर्स अपन लिखते कौन सा, एफ बी ए लिखते, एफ बी। ठीक है, सो एफ बी ए विल बी व्हाट, एफ बी ए विल बी इक्वल टू वेक्टर, एफ बी ए विल बी इक्वल टू एफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए अपॉन डी ब्रैकेट में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। राइट, ये हम अगर दो पॉइंट्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स आई एक्स वन I, x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये x1 x2 y1 y2 y z1 z2 मतलब क्या, ये फोर्स जो है वो कहां से कहां एक्ट हो रहा है, b से a के तरफ। सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, b के कोऑर्डिनेट्स से अपने पास minus 10 5 0 minus 10 5 0 और ये B to A एक्ट हो रहा है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास, वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एज 0 20 0। इसका मतलब B to A एक्ट हो रहा है, मतलब x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब अपना FBA इक्वल्स टू FBA अपॉन D, FBA के मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ऑलराइट, सो हम ये जो अपना पॉइंट है, ये जो फोर्स है, ये क्या होता है, दिस रेशियो इज फोर्स मल्टीप्लाई, वी नो दैट दिस रेशियो इज फोर्स मल्टीप्लाई। तो हम इस फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये जो फोर्स है ये फोर्स मल्टीप्लाई होता है, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाई। हम इसको एम वन बोलते हैं, चलो ये पहला फोर्स है तो इसका जो फोर्स मल्टीप्लाई है उसको अपन एम वन बोलते हैं। दूसरा फोर्स जब लिखेंगे उसके फोर्स मल्टीप्लाई को अपन एम टू बोलेंगे, तीसरे को एम थ्री बोलेंगे। ठीक है, सो एम वन एम टू एम थ्री ये हम फोर्स मल्टीप्लायर्स को लिखेंगे। फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था, अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर FBA विल बी इक्वल्स टू व्हाट, FBA विल इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लायर हमने एम वन लिया है, तो एम वन एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो माइनस माइनस टेन मतलब कितना प्लस टेन आई प्लस टेन आई प्लस y2 minus y1, y2 20 minus y1 50, sorry 5 मतलब 15j, 0 minus 0 मतलब 0 k। ये आपको पहला force कितना मिल गया, F bar BA equals to M1 bracket में 10i plus 15j plus 0। So let us say this is your force number 1, इसको अपन equation number 1 दे देते, आगे बढ़ते। अब next कौन सा force है, ये तो पहला force हो गया, अब दूसरा force कौन सा है, दूसरा फोर्स है अपना फोर्स सी ए, सी के तरफ से ए के तरफ जाने वाला बार सी ए के अंदर का फोर्स। सो दिस एफ सी ए विल बी इक्वल टू एफ बार सी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ सी ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सी ए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, कहां से कहां तक, सी टू ए के बीच का डिस्टेंस, इसके बारे में डिटेल में देख चुके हैं। एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस y2 minus y1j plus z2 minus z1k। और यहां पर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कौन है, यहां पर कौन है, ये सब पॉइंट। तो c टू a एक्ट हो रहा है, सो c के कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर 0 10 सॉरी 0 0 10 c टू a, a के कोऑर्डिनेट्स है 0 कॉमा 20 कॉमा 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू this will be your x1 y1 and z1 and this will be x2 y2 z2। ठीक है, so f bar c a क्या आ जाएगा, अगर हमने इस फोर्स का फोर्स मल्टीप्लाई m1 से डिनोट किया था
तो दूसरे फोर्स का फोर्स मल्टीप्लाई मान लो आपने किससे डिवाइड किया, एम टू से, ठीक है। लेट अस से फोर्स मल्टीप्लाई ऑफ दिस फोर्स इज एम टू, सो व्हाट विल बी एफ सी ए, एफ सी ए विल बी इक्वल टू वेक्टर एफ सी ए विल बी इक्वल टू एम टू, और ये एक्स टू माइनस एक्स मतलब जीरो माइनस जीरो जीरो आई प्लस ट्वेंटी माइनस जीरो जे मतलब ट्वेंटी जे और जीरो माइनस टेन के मतलब माइनस टेन, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड फोर्स, इसको अपन इक्वेशन नंबर टू दे देते एफ सी ए। और थर्ड फोर्स कौन सा, अपना थर्ड बार के अंदर कौन सा फोर्स है, डी ए, सॉरी ए डी, डी से ए की तरफ जाने वाला एफ डी ए। सो व्हाट विल बी एफ डी ए, नाउ फोर्स वेक्टर एफ डी ए विल बी इक्वल टू will be equals to what, magnitude of FDA upon D, मतलब distance between D and A, in bracket x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k, right। अब यहां पर ये जो force है ये D से A के तरफ act हो रहा है, मतलब D के coordinates अपने पास क्या है, 10 0 minus 10, this will be x1 y1 z1, d to a, a के कोऑर्डिनेट्स अपने 0 20 0, so this will be x2 y2 z, right। वाले पुट अप करते, जैसे अब तक अपने फोर्स मल्टीप्लाई को m1 m2 लिया है, तो थर्ड फोर्स का फोर्स मल्टीप्लाई मान लो आपने क्या लिया, m3, so this is force multiplier of third force m3, so this force will become vector force, sorry vector f bar da will be equals to F bar D A will be equals to what? M3 bracket में x2 minus x1, x2 minus x1 मतलब कौन? 0 minus 10 minus 10 R plus y2 minus y1 मतलब 20 J and 0 minus minus 10 मतलब plus 10 plus 10 K, okay। So this is your third force, let us say this as equation number 3। अब आपको equation number 1, 2, 3 के तरफ देखोगे तो अपने पास तीन force vectors है F1, F2, F3, और दूसरी बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पर चौथा भी एक force लग रहा है, load W equals to 1100 N, तो अगर इस force को लिखना चाहोगे तो force है y direction में, बराबर वो force y direction में है, also W bar ये भी फोर्स अगर आप लिखना चाहेंगे, वेक्टर W बार इक्वल अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इसका सिर्फ y कंपोनेंट है इस फोर्स का, क्योंकि वो y डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वो भी नेगेटिव है, इसका मतलब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, x कंपोनेंट उसका 0 है, तो 0 i प्लस y कंपोनेंट नेगेटिव है, कितना है y कंपोनेंट y डायरेक्शन में -1100, बराबर उतना न्यूटन उसका y कंपोनेंट बनेगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1100 j, और z कंपोनेंट 0 है क्योंकि ये फोर्स जो है ये y एक्सिस के अलोंग है, y डायरेक्शन में, तो x और z कंपोनेंट 0, सिर्फ y कंपोनेंट होगा वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, मतलब -110 j + 0 k, तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का फोर्स। अभी चार फोर्सेस आपको दिख रहे पॉइंट a के ऊपर एक्ट पे, पॉइंट a के ऊपर आपको फोर फोर्सेस एक्ट होते हुए दिख रहे। अब हमें बोला है कि ये सभी फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, ये एक तो नोन है w, बाकी के तीन अननोन है, लेकिन बाकी के तीन अननोन अपने पास नहीं है, वो वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए, उसके साथ उसकी मल्टीप्लायर भी है, मल्टीप्लायर की भी वैल्यू पता नहीं, तो अगर हमें ये फोर्स के बारे में पता करना है तो पहले हमें मल्टीप्लायर्स पता करने पड़ेंगे। लेकिन ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बराबर क्या, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और सभी फोर्सेस पॉइंट ए से ही पास हो रहे, इसका मतलब ये पॉइंट ए की अगर एफबीडी बनाएंगे हम लोग तो दैट विल बी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अगर ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनेगी तो अपने पास तीन ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में, दैट आर समेशन fx, समेशन fy एंड समेशन fj, ठीक है। सो नाउ अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। कौन से कंडीशंस अपने पास, समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ जेड इक्वल्स टू 0। थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के लिए अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो अपने पास तीन कंडीशंस है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड इक्वल्स टू 0,
अगर पहली कंडीशन हम यूज करेंगे तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का समेशन इक्वल टू जीरो, राइट। इफ वी यूज दिस फर्स्ट कंडीशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो सभी कंपोनेंट्स का सभी फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट का समेशन इक्वल टू जीरो मतलब पहला फोर्स दूसरा फोर्स तीसरा फोर्स चौथा फोर्स सभी फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट का समेशन इक्वल टू जीरो। पहले फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा एम वन इंटू टेन, वाई कंपोनेंट होगा एम वन इंटू फिफ्टीन, वाई जेड कंपोनेंट होगा एम वन इंटू जीरो। सो पहले का एम वन इंटू टेन, दूसरे का एम टू इंटू जीरो, तीसरे का एक्स कंपोनेंट एम थ्री इक्वल टू एम थ्री इंटू माइनस टेन और चौथे का कितना है जीरो। मतलब सभी के आय के जो कोएफिशिएंट्स है सभी फोर्सेस के आय वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स है यूनिट वेक्टर आय उसके जितने कोएफिशिएंट्स है ऑल दीज आर एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। इट मींस दैट समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इसका मतलब देखो ध्यान से देखना एम वन इंटू टेन मतलब टेन एम वन बराबर है टेन एम वन प्लस दूसरे फोर्स का एक्स कंपोनेंट डी ए का पहले का एक्स कंपोनेंट होगा अपना कितना टेन इंटू एम वन दूसरे का एम टू इंटू जीरो जीरो एम टू तीसरे का एक्स कंपोनेंट क्या है माइनस थ्री माइनस टेन एम थ्री ठीक है माइनस टेन एम थ्री प्लस चौथे का एक्स कंपोनेंट कितना है अपना डब्ल्यू का डब्ल्यू अपना चौथा फोर्स है दैट इज जीरो सो जीरो विल बी इक्वल टू जीरो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो यहां से क्या मिलता देखिए टेन इंटू एम वन ये तो जीरो है माइनस टेन इंटू एम थ्री इक्वल टू जीरो तो यहां से आपको क्या मिलेगा टेन एम वन विल बी इक्वल टू टेन एम थ्री देयरफॉर टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा क्या मिलेगा एम वन इक्वल टू एम थ्री बराबर एम वन इक्वल टू एम थ्री मिला यहां से ये रिजल्ट मिला। आगे देखते क्या मिलते पहली कंडीशन यूज की हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो देयरफॉर सभी के y कंपोनेंट का समेशन करेंगे पहले का फोर्स पहला फोर्स जो है उसका y कंपोनेंट कितना होगा m1 into 15 j के जितने कोऑर्डिनेट्स है अभी सभी फोर्सेस के j के कोऑर्डिनेट्स यानी j के कोएफिशिएंट्स सॉरी m1 into 15 m1 into 15 या 15 m1 बोल सकते हो आप 15 m1 प्लस 20 m2 प्लस 20 m3 20m3 प्लस माइनस 1100 इक्वल्स टू 0 राइट। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन यहां से क्या मिलेगा m1 देखो अपने पास m1 इक्वल्स टू m3 है अपने पास m1 इक्वल्स टू m3 है तो m1 के जगह पर m3 पुट कर सकता हूं m1 के जगह पर m3 पुट कर सकता हूं तो क्या मिलेगा फिर 15 M3, M1 के जगह M3 पुट किया है क्योंकि हमें जान हम जानते हैं M1 इक्वल टू M3 है M1 के जगह M3 15 M3 प्लस 20 M2 प्लस 20 M3 माइनस 1100 इक्वल टू 0 यहां से क्या मिलेगा 15 प्लस 20 M3 यानी 35 M3 प्लस 20 M2 इक्वल टू माइनस 1100 राइट सही। ये अगर इक्वल टू के उस तरफ लेके गए तो प्लस हो जाएगा इसको अपन क्या करते हैं इसको एक कोई इक्वेशन दे दें लेट्स से दिस इज स्मॉल a बाद में हमें पुट करने की जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। अब यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला थर्ड इक्वेशन यूज कर थर्ड कंडीशन यूज करते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग z एक्सिस इक्वल्स टू 0 यहां से क्या मिलता है देख लेते z कंपोनेंट्स का समेशन fba का z कंपोनेंट है 0 m1 सो 0 m1 प्लस इसका z कंपोनेंट माइनस टेन एम टू प्लस टेन एम थ्री प्लस जीरो इक्वल टू जीरो यहां से क्या मिलता है ये तो जीरो माइनस टेन एम टू प्लस टेन एम टू एम थ्री माइनस टेन एम टू प्लस टेन एम थ्री इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये टेन अगर उधर जाएगा तो ये एम टेन टेन कैंसिल आउट एम टू इक्वल टू एम थ्री मिलेगा पहले हमें मिला था m1 equals to m3 दूसरी बार मिला है m2 equals to m3 मतलब m1 equals to m2 equals to m3 ये कंडीशन भी अपनी मिल जाएगी यहाँ पर therefore from this and this circle we can say that m1 equals to m2 equals to m3
अगर ये M1 equals to M2 equals to M3, ये हम इस इक्वेशन नंबर A में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो M2 की वैल्यू मिलेगी या तो M3 की वैल्यू मिलेगी। और ये कंडीशन हम अगर इक्वेशन नंबर A में पुट करेंगे तो अपने पास M1 या M2 या M3 की वैल्यू मिलने के बाद तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो पुट करने के बाद, पुट इन एबो इक्वेशन और पुट इन इक्वेशन A, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट M1 या M2 या M2 या M3, तीनों में से कोई तो एक मिल जाएगा। आप या तो M1 को रिप्लेस कर देना, नहीं तो सॉरी M2 को रिप्लेस करो या M3 को रिप्लेस करो, दोनों में से एक एलिमिनेट करो। दोनों में से एक एलिमिनेट करने के बाद एक मिलेगा बचा हुआ, तो वहां से आपको तीनों में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। अगर तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें क्या मिल गया, ये फोर्स मल्टीप्लाइज मिल गई और वो मिलता है 20। आप कैलकुलेट करके देख लेना, दिस विल बी 20। ये 20 मिल गया सभी फोर्स मल्टीप्लाई 20 मिल गए। अब फोर्स मल्टीप्लाई मतलब था क्या, हमें फाइंड आउट करने फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, पहला दूसरा तीसरा FBA, FDA और FC। लेकिन हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइज क्या है ना, अपने पास फोर्स मल्टीप्लाइज थे, पहले फोर्स का फोर्स मल्टीप्लाई किया था हमने, किसको बोला था M1, M1 is equals to FB upon D, D मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन B एंड A, डिस्टेंस बिटवीन B एंड A क्या होगा देखते ना, वी नो M1 equals to what, M1 equals to FBA upon D, FBA upon D, right? हमें चाहिए FBA, हमें चाहिए FBA, therefore FBA will be equals to what, M1 into D, लेकिन D मतलब क्या, distance between B and A, वो कितना हो जाएगा, M1 तो अपने पास कितना है, M1 तो अपने पास मिला है 20, so 20 into distance between B and A, what will be distance between B and A, अपने पास B कितना है, coordinate से B के minus 10, 5, 0, और A के coordinate से 0, 20, 0, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square plus z2 minus z1 bracket square, x2 minus x1 मतलब minus 10 minus 0 bracket square मतलब minus 10 square, 5 minus 20 मतलब minus 15 square और 0 का square, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो minus 10 square plus minus 15 square plus 0 square, ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो भी आएगा FBA का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, FBA will be equals to what, FBA will be equals to 360.555, this will be the magnitude of your force FBA, यही हमें find out करना था, यही हमें पूछा था। Similarly हम बाकी भी forces calculate कर सकते हैं, बाकी कौन से calculate कर रहे हैं, हमें FCA भी find out करना है और FDA भी find out करना है, तो similarly हम बाकी forces calculate कर सकते हैं, similarly FBA तो calculate कर लिए, FCA will be equals to how much, FCA will be equals to 447.214 newton, and also FDA will be equals to how much, FDA will be equals to 489.898 newton। ये बाकी के आपके forces मिल जाते हैं, तीनों फोर्सेस के हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने थे, अगर आप वेक्टर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 ये तीनों के भी वेक्टर्स के फॉर्म में इक्वेशंस हैं, तो वेक्टर्स के फॉर्म में भी आप फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला व्हाट विल बी द फोर्सेस इन दीस 3 बार्स, बार AB, बार BC और सॉरी बार AC और बार AD, ये तीनों बार के अंदर के कितने फोर्सेस है कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तीनों भी फोर्सेस कंप्रेसिव फोर्सेस होंगे। अब डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा कि तीनों भी बार्स के अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस है, ऑलरेडी हमने ये कंप्रेसिव फोर्सेस कंसीडर कर लिए हैं इसलिए ये पॉजिटिव आए हैं, राइट। अगर हमने यहाँ पर अवे फ्रॉम पॉइंट कंसीडर किए होते तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती थी, और वहां से भी आपको समझ में आता था कि आपने जो कंसिडर किया है दैट इज रॉन्ग, वॉट एवर वॉज द डायरेक्शन दैट यू आर कंसिडर, द एक्चुअल डायरेक्शन वॉज अपोजिट टू द डायरेक्शन दैट यू आर कंसिडर, राइट। आपने जो डायरेक्शन कंसिडर किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल डायरेक्शन होगी अगर आपके आंसर्स नेगेटिव आते, लेकिन आपने ऑलरेडी कंप्रेसिव है ये आपने कंसिडर किए थे तो आंसर जो आया है वो पॉजिटिव आया है, मतलब जो आपने डायरेक्शन कंसिडर किया वो सही, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये इक्विलिब्रियम ऑफ द डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के ऊपर पूछे जाएंगे, और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एक सैंपल क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम के ऊपर।
स्पेस फोर्स सिस्टम की, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से देख के अच्छे से नोट्स बना लेना। बाकी अपना ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है, थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।